हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित गोयल और इस वीडियो में मैं आपको लेज़र हेयर रिडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के आंसर देने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका क्वेश्चन रहता है कि लेज़र हेयर रिडक्शन से स्पॉट्स पड़ जाते हैं या फिर हेयर और थिक हो जाते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि लेज़र हेयर रिडक्शन करवाने के बाद फिर से रीग्रोथ होता है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिसमें से स्पॉट्स की बात रही कि लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद स्पॉट्स पड़ जाते हैं या स्किन काली पड़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की मशीन से आप लेज़र हेयर रिडक्शन करवा रहे हैं और जो लेज़र हेयर रिडक्शन कर रहा है वो सही एनर्जी पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अलग अलग मशीनरीज का अलग अलग पैटर्न होता है। कुछ मशीनरीज को स्किन से बिल्कुल टच करके लेज़र किया जाता है, कुछ मशीनरीज में हमारे को जेल लगा कर लेज़र किया जाता है, कुछ मशीनरीज में स्किन से थोड़ा गैप बना कर लेज़र किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि टेक्नीशियन जो कर रहा है लेज़र उसको कितनी नॉलेज है और वो किस एनर्जी पे कर रहा है। दूसरी बात रही कि रीग्रोथ की, अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर आप कोई भी स्टीरॉयडल रिलेटेड क्रीम लगा रहे हो तो रीग्रोथ वो क्रीम के वजह से होता है, ना कि आप ये सोचें कि लेज़र के वजह से जो ट्रीटमेंट हुआ था हमारा उसके बाद दोबारा रीग्रोथ हुआ है। वो रीग्रोथ नहीं होता, वो एक न्यू हेयर ग्रोथ करता है आपका। वो कुछ कंडीशन में जैसे PCOS के कंडीशन में कुछ लोगों को रीग्रोथ कर जाता है और कुछ लोगों को हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को भी रीग्रोथ के चांसेस हल्का फुल्का रहते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं इस बात पे बहुत डिपेंड करते हैं वो प्रिकॉशंस क्या क्या ले रहा है पेशेंट। तो इसमें से लेज़र हेयर रिडक्शन जब करवा रहे होते हैं तो उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आप ब्लीच नहीं कर सकते फेस पे। ब्लीच करने से जो हेयर होता है वो कलर चेंज हो जाता है और जिस वजह से हेयर जो होता है लेज़र को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। दूसरा, आप वैक्स नहीं करवा सकते। अगर आप वैक्स करवाएंगे तो वो रूट से अलग हो जाएगा और लेज़र का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। सेम आप थ्रेड नहीं करवा सकते। आप थ्रेडिंग अगर आप रेगुलरली करवाते रहेंगे और लेज़र करते रहेंगे तो लेज़र का वो रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो रियलिटी में मिलना चाहिए। साथ ही साथ स्टेरॉयडल क्रीम्स को आप नहीं यूज़ करेंगे, आप रेटिनॉल्स नहीं यूज़ करेंगे, इससे इन्फ्लेमेशन के चांसेस रहते हैं। और लेज़र हेयर रिडक्शन का जब भी आप सेशन लें उसके बाद थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए या तो आप बर्फ़ से या फिर कूल पैड्स आते हैं उनको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए लगा के रखें जिससे स्किन जो है वो अंदर से हीटअप जो है वो कम हो जाए और आपके जो पोस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो कुछ लोगों में इस वजह से आ जाते हैं कि एनर्जी लेवल हाई हो गया है तो वो भी उसको हम बैलेंस कर सकते हैं उससे। तो ये थी कुछ लेज़र हेयर रिडक्शन में प्रिकॉशंस की बातें। तो लेज़र हेयर रिडक्शन वर्क करता है। और कोई आपकी अलग से कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप मेल करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।